दोस्तों 30 मार्च 2024 को नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की गायब हुई थी जिसका नाम था लीना एल सोपी। और उसके गायब होने के बाद बहुत सारा हंगामा मच गया था, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि लड़की किडनैप हो गई, कुछ ये सोच रहे थे कि भाई लड़की का मर्डर हो गया। लेकिन आज की डेट में उस लड़की से रिलेटेड अपडेट हमारे पास में आया है जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 30 मार्च को मतलब कि 2024 के 30 मार्च को एक लड़की मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से गायब हो गई थी, खो गई थी, जिनका एज 29 इयर्स बताया जा रहा है। और ये जो है मोन डिस्ट्रिक्ट के एक्सिस बैंक के एक ब्रांच में काम करती थी। और इनके गायब होने के बाद बहुत सारी बातें निकल करके आई। कुछ लोग ये सोचने लग गए कि भाई लड़की का किडनैप हो गया है, कुछ लोग ये सोचने लग गए कि कहीं लड़की का मर्डर तो नहीं हो गया है। इस तरीके की बहुत सारी बातें निकल करके आई। लड़की के घर वाले भी पुलिस के पास पहुंच गए और उसको बताया कि भाई मेरी जो बेटी है वो गायब है, प्लीज उसको ढूंढ करके आप हमारे सामने लेकर के आइए। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि भाई ये लड़की जो है ये हमें मिल चुकी है और ये पुलिस के पास अभी मौजूद है ये लड़की। तो ये लड़की मिली कहां से? तो गाइस सबसे पहले तो लोग ये बता रहे हैं कि इस लड़की को पहले तो गुवाहाटी के स्टेशन में स्पॉट किया गया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस लड़की को जिसका नाम लीना एल सोपी है इसको पहले तो गुवाहाटी में स्पॉट किया गया था, लेकिन भाई इसको वो वहां से नहीं मिलती है। उसके बाद ये लड़की पहुंच जाती है सिक्किम के गैंगटॉक में, जहां पर गैंगटॉक की पुलिस को इसका कुछ क्ल्यू मिलता है और गैंगटॉक की पुलिस इसको पकड़ लेती है। और गैंगटॉक पुलिस के पास अभी ये फिलहाल मौजूद है, जिसको कि नागालैंड में लेकर के आया जाएगा। अब लड़की से जब पूछा जा रहा है कि भाई आप सडनली वहां से छोड़ करके यहां क्यों आ गए, तो लड़की का ऐसा कहना है कि वो जॉब के तलाश में यहां पर आई है। तो ये जॉब वाला जो एक थ्योरी इसमें आ रहा है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये लड़की जो है वो मोन डिस्ट्रिक्ट के एक्सिस बैंक में एम्प्लॉय थी, मतलब एक्सिस बैंक में काम कर रही थी। तो फिर इसको जॉब की क्या जरूरत हो गई जिसके लिए इसे सिक्किम आना पड़ा? क्या वो जॉब नागालैंड में मौजूद नहीं था? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। और लड़की के नागालैंड आने के बाद जब नागालैंड की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, उससे इंटरोगेशन करेगी, तो ये सारा मामला हमारे सामने निकल करके आएगा कि भाई आखिरकार ये जो लड़की है ना ये सिक्किम में गैंगटॉक कैसे पहुंच गई, क्या कारण था कि ये गुवाहाटी में भी स्टेशन में नजर आई और उसके बाद ये दोबारा से बाद में गैंगटॉक में मिलती है जहां से इसको पुलिस पकड़ती है। तो अभी फिलहाल तो इस लड़की को गैंगटॉक पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है और वो किसी से मिलने भी उसे नहीं दिया जा रहा है, ना ही उसके परिवार वालों से मिलने दिया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि वो इंटरोगेशन कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो लड़की नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट से किस तरह से गुवाहाटी होते हुए सिक्किम के गैंगटॉक में पहुंच गई। तो भाई अब पुलिस का ये कहना है कि उसको नागालैंड लेकर के आया जाएगा और दोबारा से नागालैंड में आकर के नागालैंड की पुलिस उससे इंटरोगेशन करेगी, फिर हमारे सामने ये पूरा मामला क्लियर होगा कि भाई ये लड़की आखिरकार गई क्यों थी गैंगटॉक में। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जाए तो लड़की का यही कहना है कि वो एक जॉब के तलाश में जो है वो गैंगटॉक पहुंची थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है और ये नागालैंड की पुलिस के इंटरोगेशन के बाद ही शायद हम सबके सामने आने वाला है। तो गाइज यही थी सारी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।